नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे धानीवन फ्रीडम कार्ड के बारे में किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कमेंट नहीं पर्सनल मैसेज आया है व्हाट्सएप पर कि धानीवन फ्रीडम कार्ड कौन अप्लाई कर सकता है तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना चैनल कर लेना सब्सक्राइब आपको बता दूँ अगर धानीवन फ्रीडम कार्ड के बारे में कैसे अप्लाई करना है आपको कैसे उस क्या उसके बेनिफिट हैं क्या नुकसान है क्या फीस है क्या चार्जेस है क्या होम डिलीवरी अगर आपके पास कार्ड आता है तो उसका चार्ज कितना है इससे रिलेटेड वीडियो आपको धानी ऐप के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जाकर के आप देख सकते हैं तो वीडियो ये वाली अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना चैनल कर लेना सब्सक्राइब तो आज बता देता हूं आपको कि धानी वन फ्रीडम कार्ड कौन अप्लाई कर सकता है तो देखिए कोई भी अप्लाई कर सकता है सिवाय इस शर्त के कि वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उसके साथ साथ ही ज़्यादा जो एजिट हो जाते हैं उनको शायद ना मिले लेकिन आप एटीन से ऊपर हैं और 18 टू 40, 45 या 50 तक मैं कहना चाहूँगा 18 से 50 साल की उम्र के बीच में है अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं बस एक शर्त और है इसमें एक सर तो ये हो गई कि 18 साल से ऊपर हैं आप तब अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि 18 साल के बाद ही पैन कार्ड बनता है और पैन कार्ड बनने के बाद ही आपका सिविल चेक होता है सिविल स्कूल चेक होता है और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपके वो क्रेडिट लिमिट आपको देते हैं तो पहली ये कंडीशन है अठारह साल से ऊपर प्लस पैन कार्ड और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपका जो सिविल स्कोर है यानी कि आपने कभी पहले लोन लिया हो या तो फिर आपने चाहे एक हजार का हो दो हजार का हो पाँच सौ का हो सौ का भी हो आपने ले करके उसको रीपे किया हो जिससे पेन कार्ड में वो एंट्री आ जाती है यानी कि जिसको कहते हैं सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर तो उसमें पता चल जाता है कि आप कित आपकी प्रोफाइल किस हिसाब से है और कितना आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है धन्यवन फ्रीडम कार्ड में तो ये है प्रोसेस कि कौन अप्लाई कर सकता है अप्लाई कोई भी कर सकता है कोई इसमें टर्म एंड कंडीशंस एक्स्ट्रा नहीं है बस इतना है कि हर साल से ऊपर होना चाहिए और प्लस उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए जिससे वो अब ये भी जरूरी नहीं कि आपने पैन कार्ड जो है पहले लोन लिया हो या ना लिया हो कोई ईएमआई पे कोई चीज़ ली हो तभी आपको मिलेगा ऐसा नहीं है कई बार सिर्फ पैन कार्ड के बेस पर ही यानी कि अगर आप फ्रेश हैं यानी कि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो, तो भी आपको मिल सकता है ऐसी कोई बात नहीं है एक बार अप्लाई करके आप देख सकते हैं धानी और फ्रीडम कार्ड ही नहीं कोई भी ऐसी जो एप्लीकेशंस uh, होते हैं चाहे वो पेटीएम पोस्ट पेड होते हो देखो, जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा पेटीएम पोस्ट पेड यूज़ करता हूँ धानी वन फ्रीडम कार्ड यूज़ कर लिया उसके बेनिफिट नुकसान फ़ायदे और क्या उसकी फीस प्रोसेसिंग है वो सारी धानी ऐप वाले प्ले में मैंने बता रखा है आपको तो दो ही चीज़ मैंने अभी तक अप्लाई किया है किस्त का भी किस्त ऐप का भी मैंने यूज़ किया है तो उसमें उसकी भी नॉलेज है उसके बारे में भी कभी बात वीडियो बनाऊँगा मैं जल्दी ही तो तीन ये ऐप है जिनको मैंने यूज़ किया है धानीवन धानीवन फ्रीडम कार्ड हो गया पेटीएम पोस्ट पेड हो गया और होम क्रेडिट भी किया है होम क्रेडिट से भी लिया है उसके बारे में वीडियोस बनाई है आदर्श लर्निंग लर्निंग वाले चैनल पे इस पर भी जल्दी लेके आऊँगा होम क्रेडिट हो गया और किस्त का भी हो गया तो ये चारों में अगर आप करते हैं तो पहली बार भी अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लिमिट तो ज़रूर मुझे लगता है मिल जाना चाहिए तो कोई भी अप्लाई कर सकता है बस पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए अठारह साल से ऊपर होना चाहिए अगर अब ये चीज एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी अप्लाई किया है या फिर आपने रीपेमेंट किया है अप्लाई करने के बाद एक पूरी अच्छे तरीके से अकाउंट को आपने क्लोज किया है जिससे भी आपने लोन या फिर ई एम आई पर कोई चीज़ ली है तो आपकी प्रोफाइल बनती है जिसको कहते हैं सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर उसके हिसाब से ही आपको इन फ्यूचर में लोन्स वगैरह मिलता है या फिर क्रेडिट लिमिट आपकी बनती है और कोई भी चीज़ सामान आप खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते एक बार यही कहूँगा कि धानी फ्रीडम कार्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है शर्त क्या है वो मैंने बता दी घर पर रहें सुरक्षित रहें और जो माहौल है उस हिसाब से तो बहुत ही ज़रूरत काम हो तभी घर से बाहर निकलने इस वीडियो में इतना ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना नमस्कार